तो जैसा भी आपने देखा, तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम देख रहे हैं ना, ये है नैना पिक का रास्ता। तो ये देख सकते हैं आप, इस टाइम पहुंच गया हूं सत्रह। तो जैसा आप देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। चलो दोस्तों, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और एक नए व्लॉग के संग में फिर आ गया हूं, आपका अपना जीसन अली। और जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, आप बैकग्राउंड पीछे देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे कि आज मैं कहीं एडवेंचर करने जा रहा हूं और कहीं मैं बाहर को जा रहा हूं। तो आज मैं नैनीताल की ऐसी जगह दिखाने वाला हूं जहां से जो नैना पिक का ये दूसरा रास्ता है, ये देख सकते आप, ये है नैना पिक का दूसरा रास्ता जहां से ये लगता हुआ जाता है सत्यनारायण मंदिर से। और वहां से नैनीताल का जो व्यू है अल्टीमेट देखने को मिलता है, और बहुत प्यारा नैनीताल का व्यू देखने को मिलता है। और खूबसूरती में नंबर वन, और जो प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं उसमें भी नंबर वन। तो अभी मैं ऊपर को जा रहा हूँ, जाऊँगा मैं नैना पिक नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा मैं ये जाऊँगा सत्यनारायण मंदिर तक, वहाँ से मैं आपको अल्टीमेट व्यू दिखाऊँगा। और जो टूरिस्ट आते हैं वो हमारे हिमालय दर्शन से ही नैना पिक को चढ़ जाते हैं, वो ये खूबसूरती को छोड़ देते हैं जहाँ पे मैं इस टाइम जा रहा हूँ। तो वो ये खूबसूरती को छोड़ देते हैं जहाँ से दो तीन पॉइंट हमारे इतने बेहतरीन मिलते हैं कि दिल खुश हो जाता है। तो चलिए अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, और स्किप करके मत देखना, नहीं तो भगा भगा के मत देना, कुछ ना कुछ जानकारी आप छोड़ देंगे। और आजकल थोड़े वॉच जो हमारे व्यूज़ डाउन हो गए हैं, तो लगता है पूरे लोग वॉच ही नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग देख नहीं रहे हैं। तो वो लोग अगर नहीं देख पा रहे मेरे व्लॉग, तो वो लोग फिर आने वाले टाइम भी फिर मिस कर जाएंगे सारी चीज़ें जो जो मैं बता रहा हूँ, डेली अपडेट दे रहा हूँ। और थोड़ा सा डेली अपडेट आज मैं ये दूंगा स्नोफॉल के बारे में, तो मैं बीच में कहीं में भी दे सकता हूँ, तो मेरे व्लॉग में बने रहिएगा। थोड़ी बहुत मैं स्नोफॉल की जानकारी दूंगा कि स्नोफॉल की कैसी जानकारी है, क्या अपडेट है। और क्योंकि ये हमारा अक्टूबर का महीना चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी कभी भी हमारी स्नोफॉल हो सकती है, तो मेरे व्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए अपने एडवेंचर को शुरू करते हैं, और मैं भी थोड़ा सा आपको रास्ता दिखाता हूँ कि एक रास्ता कितनी चढ़ाई है यहाँ पे। लेकिन यह नैना पिक का रास्ता और दूसरा वाला एक है हिमालय दर्शन से। तो चलिए अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। देख रहे हैं ना, ये है नैना पिक का रास्ता दूसरा, सत्यनारायण मंदिर से होते हुए जाता है। और यहाँ पे ना चढ़ाई बहुत है, जैसे खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, चढ़ाई मिल ली है। लेकिन यहाँ से एडवेंचर के रूप में काफ़ी मज़ा आता है जब जब ग्रुप जाता है या बहुत से लोग जाते हैं। और यहाँ देख सकते हैं ऐसा नज़ारा है, ये पेड़ों का लगता हुआ जंगल, और यहीं पे ऊपर ही हमारा नैना पिक है। तो चलिए चलते हैं, और मिलता हूँ मैं आपसे ऊपर, वहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको अल्टीमेट नज़ारा नैनीताल का व्यू। तो जैसे आप देख रहे हैं, अभी मैं हूँ आधे रास्ते में, और आधे रास्ते से ही नैनीताल का जो खूबसूरती देखने को मिल रही है व्यू, ये सामने देख सकते हैं आप, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है ये। तो बढ़ेंगे ऊपर की तरफ, और ऊपर से दिखाऊंगा मैं आपको अल्टीमेट नज़ारा कि यहाँ से ऊपर से कैसा दिखता है। और एक दो मैं आपको जानकारी दूंगा महत्वपूर्ण, तो बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। तो फिलहाल कुछ ऐसा नज़ारा है अभी यहाँ से आधे रास्ते से, तो पूरे ऊपर जाने में कैसा व्यू नज़र आएगा आप सोच सकते हैं। तो बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। तो जैसा आप देख रहे हैं, इस टाइम में पहुँचूँगा सत्यनारायण मंदिर, और यहाँ से मैं दिखाऊँगा आपको अल्टीमेट नज़ारा। और तो ये देख सकते हैं आप, इस टाइम पे पहुँच गया हूँ सत्यनारायण मंदिर, और यहाँ पे जो है फॉरेस्ट वालों का बना हुआ है। और यहाँ से दिखता है एक अल्टीमेट व्यू नैनीताल का, तो उस पॉइंट पे चलते हैं और वहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको कैसा नज़ारा है। फिलहाल जो है यहाँ से एक गांव वाली फीलिंग आती है। और ये जो जा रहा है हमारा कैमल्स बैग को जा रहा है, ये वाला रास्ता कैमल्स बैग को, तो यहाँ से हम कैमल्स बैग भी जा सकते हैं, और यहाँ से हम नैना पिक भी जा सकते हैं, ये देख सकते हैं। लेकिन व्यू बड़ा औसम है इधर का, अभी दिखाऊंगा मैं आपको जहाँ से नैनीताल का व्यू बड़ा प्यारा दिखता है। तो ये जा रहा हमारा नैना पिक को रास्ता, तकरीबन यहाँ से लगेंगे एक डेढ़ घंटा जाने में, और काफ़ी एडवेंचर भरा रूप रहता है यहाँ से, काफ़ी अच्छा लगता है जाने में। लेकिन यह है कि पैदल मार के तो थकाई बहुत लग जाती है, हालत ख़राब हो जाती है। जैसे लड़के जा रहे हैं अभी सामने तीन, ये मेरे साथ ही आ रहे थे नीचे से, तो ये लोग काफ़ी हल्के हल्के चल रहे हैं, थक गए ये लोग काफ़ी, तो थकाई तो खैर मुझे भी लग गई, पसीना पसीना हो गया मैं। तो चलिए ऊपर से दिखाता हूँ जहाँ पर वो लड़के बैठे हैं, वहाँ से अल्टीमेट व्यू दिखता है नैनीताल का। तो वहाँ से चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने व्लॉग को, और दिखाता हूँ खूबसूरत। और ये पल आप कभी भी नैनीताल आते हैं तो ये पल आप छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ अक्सर पर्यटक जो आते हैं नैना पिक जाते हैं, लेकिन बहुत कम जाते हैं यहाँ से। तो फाइनली मैं उस जगह में पहुँच चुका हूँ, और जहाँ पर साहब मेरा कैमरा है वहाँ पर साहब देख रहा हूँ अल्टीमेट नज़ारा नैनीताल का फुल व्यू। और ऐसी ही नज़ारा हमारा नैना पिक से भी दिखता है, और ऐसी ही नज़ारा हमारा छोटा नैना पिक से दिखता है, लेकिन बहुत छोटा दिखता है वहाँ से।
नैनीताल का व्यू, लेकिन यहाँ से देख रहे होंगे कितना ऑसम व्यू दिख रहा है, कितना प्यारा व्यू दिख रहा है, कितना अल्टीमेट व्यू दिख रहा है पूरा नैनीताल का। और यहाँ पे से पूरा नैनीताल दिख रहा है हमारा, तल्ली ताल हो गया, मल्ली ताल हो गया, लेकिन जो हमारा बस रोडवेज स्टेशन से नीचे यहाँ का नहीं दिखता है क्योंकि बीच में से पहाड़ आ जाता है ये, लेकिन यहाँ से पूरा अल्टीमेट व्यू दिख रहा है। और यहाँ पे से देख सकते हैं पूरा नैनीताल का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ मैं हूँ इस टाइम सत्यनारायण मंदिर के पास, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे जो है तीन चार घर भी बने हुए हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये है नाना पिक का रास्ता, इधर से जाता है तो यहीं पे एक पॉइंट बनाया गया है ये बैठने का, जो टूरिस्ट पर्यटक आते हैं यहाँ पे रेस्ट करते हैं। और यहीं से हमारा फुल वॉच जो है नैनीताल का व्यू देखने को मिलता है, अभी देख रहे हैं सामने जी। और यहीं से हमारे होटल, काफ़ी होटल हैं यहाँ पे, जैसे बलरामपुर होटल देख रहा हूँ मैं, शेरवानी होटल देख रहा हूँ, आरिफ देख रहा हूँ। सामने ये है कार पार्किंग सुगाताल की, और ये हमारा जो दो झील का सौंदर्यीकरण हो रहा है यहीं पर हो रहा है ये देख सकते हैं आप। और सामने हमारा ये चर्च है, बहुत सी चीज़ें हैं बताने को, तो खैर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि अल्टीमेट नज़ारा नैनीताल का ये, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत। और वेदर की बात करें तो आज वेदर थोड़ा इस तरीके से है, बादल आप देख सकते हैं ऐसे हैं, काफ़ी घने बादल हैं ये, और बारिश कभी भी आ सकती है, लेकिन अब बारिश का तो वैसे नहीं है चांस कि बारिश पड़ेगी अब। और यहाँ से शायद हिमालय देखने को मिलता है, लेकिन अभी जो बादल लगे हुए हैं तो उस तरीके से हिमालय देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे इधर की तरफ को, लेकिन आप व्यू देख सकते हैं, व्यू का एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसा भी आपने देखा, तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ये देखने को मिल रहा है जैसा आप देख रहे होंगे। तो कभी भी आप आ सकते हैं, तो ये पैदल मार्ग ही है, आप यहाँ पैदल आ सकते हैं, और यहीं तक आना चाहें तो यहीं तक आ सकते हैं, अपना एक पिकनिक स्पॉट की तरह भी है, अपना पिकनिक मना सकते हैं आराम से। और सामने मंदिर है, मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं, उसी के साथ यहाँ से अल्टीमेट व्यू का नज़ारा भी ले सकते हैं। और नैना पीक जाना है तो आपके एक पंच दो काज हो जाएंगे, नैना पीक भी घूम लेंगे और यहाँ से व्यू भी देख लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा यहाँ से नैनीताल देखने को मिल रहा है। और यहाँ से आप देख रहे होंगे छोटे छोटे घर भी देखने को मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और सामने हमारी लेक में बोट से चलते हुए, और काफ़ी छोटी छोटी बोट से इस टाइम नज़र आ रही हैं, तो एक ये भी एक खूबसूरत नज़ारा है। और ऐसी नज़ारा देखने को लोग नैना पिक जाते हैं, तो नैना पिक से भी ऐसी नज़ारा देखने को मिलता है। और कोशिश करूँगी कि आने वाले दिनों में मैं आपको हिमालय दर्शन से हिमालय दिखा पाऊँ, क्योंकि अब जो है हिमालय दिखने लग गया है, लेकिन थोड़ा सा आज जो है ये बादल लगे हुए हैं, तो इस वजह से आज नहीं दिख रहा है। और इधर से जो हमारा फॉग आने में ही लगा पड़ा है, ये देख सकते आप। और गाड़ियों की भी शोर शराबा, हॉर्न की शोर शराबा साफ सुनाई दे रही है यहाँ पर, जो गाड़ियाँ चल रही हैं इस टाइम, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और अक्टूबर के महीने में बताऊं तो आपको काफ़ी दिलचस्प नज़ारा हो जाता है, वेदर काफ़ी साफ हो जाता है, तो घूमने का बड़ा प्यारा हो जाता है। और बात करें नवंबर दिसंबर जनवरी की, तो इस टाइम स्नोफॉल बहुत पड़ती है, तो आने वाले दिनों में मैं स्नोफॉल की अपडेट दूंगा, लेकिन आज जो अपडेट मैं दे रहा हूँ स्नोफॉल की, वो ये दे रहा हूँ कि दिसंबर जनवरी में कभी भी स्नोफॉल हो सकती है 20 दिसंबर के बाद। तो मेरे व्लॉग में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं आपको स्नोफॉल की अपडेट दे सकूं, तो आपको इजीली हो जाएगी नैनीताल आना, और आपको स्नोफॉल मिल भी जाएगी। और बहुत से लोग आते हैं तो उनको स्नोफॉल नहीं मिलती है, लेकिन आप हमारे व्लॉग से आएंगे तो आपको ज़रूर स्नोफॉल मिलेगी, और बर्फ में खेलने को मिलेगा, जैसे कुछ लोगों को पिछले साल भी मिला था बर्फ में खेलने को। तो ऐसी ही नज़ारा है नैनीताल का, तो उम्मीद करूँगा कि ये व्लॉग आपको बेहद पसंद आया होगा, पसंद आया तो आपको पता ही है क्या करना है। तो कुछ ऐसा नज़ारा था नैनीताल का यहाँ से सत्यनारायण मंदिर से। फाइनली यहाँ पे जो है मैंने अपना ब्लॉग कंप्लीट कर लिया, आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिसान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ से अल्टीमेट व्यू आप देख रहे हैं पीछे, और हल्का हल्का फॉग आ रहा है, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, काफ़ी चिल्ड है, काफ़ी ठंडा है। और आप देख सकते हैं कि अंदर से ही मैंने पहन रखा जैकेट भी पहन रखी है, तो जाहिर सी बात है कि नैनीताल में ठंडा होने लग गया है। तो उम्मीद करूँगा कि आज का लोग आपको पसंद आया तो लाइक करेगा, मेरे चैनल जिसान नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए, बाय बाय।